अस्सलामुअलैकुम माइनर न्यूज के साथ मैं हुरबाब। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराई जाएगी। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराई जाएगी। सराय के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास में किया गया। तहरीक आज किसी भी वक्त असेंबली सेक्रेटरीट में जमा कराई जाएगी। जराये के मुताबिक नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर दस्तखत कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लीगी क़यादत ने तमाम अरकान को इब्तदाई तौर पर अगले 20 दिन तक इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत की है। जराये का कहना है कि लीगी क़यादत ने अपने अरकान को बताया कि अगले 3 हफ्ते इंतहाई अहम है, लिहाजा इस्लामाबाद से गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं, इसमें हुकूमत को तारीखी शिकस्त होगी। रहीम यार खान INN न्यूज जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान मदीना टाउन और गुलशन इकबाल के इलाकों में मुसल्ला डाकुओं और चोरों का राज। असलहा से लेस गैंग लोगों के घरों में चोरियां और डकैतियों में मसरूफ, लोगों में खौफ हिरास पाया जाने लगा, अवाम बेयारो मददगार। तफसील के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज से मदीना टाउन और गुलशन इकबाल के इलाकों में असलहा से लेस गैंग लोगों के घरों में चोरियां और डकैतियां करने में मसरूफ है। 2 रोज कबल मदीना टाउन से इसी गैंग ने पोर डिलीवरी देने वाले शख्स को असलहा के जोर पर लूट लिया और गुज़श्ता रात उसी नामालूम मुसल्ला गैंग ने मदीना टाउन में वाके इस्लाम खोकर के घर दाखिल होकर लाखों रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और मोटरसाइकिल चुरा लिए और फरार हो गए। इस नामालूम मुसल्ला गैंग की CCTV सोशल मीडिया और चैनलों पर चलाई गई, जिसमें बेखौफ व खतर असलहा लहराते हुए गलियों में धनधनाते फिर रहे हैं और लोगों के घर में दाखिल होते हैं। आए रोज की चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से लोगों में खौफ और हिरास पाया जाता है। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से इस नामालूम गैंग की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। आसिफ सरदारी, फजल रहमान और शहबाज शरीफ आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साबिक सदर आसिफ सरदारी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सराय के मुताबिक तीनों सियासी रहनुमाओं की जानिब से आज से पहले 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात होगी। इससे कबल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें लीगी क़यादत ने तमाम अरकान को इब्तदाई तौर पर अगले 20 दिन तक इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि लीगी क़यादत ने अपने अरकान को बताया कि अगले 3 हफ्ते इंतहाई अहम हैं, लिहाजा इस्लामाबाद से गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रहीम यार खान INN न्यूज जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो चुका, मुकामी पुलिस बेबस नजर आने लगी। मोटरसाइकिल चोर मुतहरिक थाना बी डिवीजन की हदूद नस अड्डा गुलमर्ग कब्रिस्तान जनाजा गाह पढ़ने आए। शहरी रियाज जट PTI सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो चुका। गुज़श्ता रोज अड्डा गुलमर्ग नस थाना बी डिवीजन की हदूद में न्यू मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। वारदात नमाज जनाजा पढ़ते हुए की गई। 15 की कॉल पर मुकामी पुलिस ना पहुंच सकी। शहरी रमजान जट का वारदातों की रोकथाम पर मौसर पुलिस की गश्त बढ़ाते हुए IG पंजाब DPO कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली जिया से चोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तुर्की में मौजूद हरीम शाह की तबीयत नासाज। तुर्की में मौजूद मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की तबीयत नासाज हो गई। इंस्टाग्राम पर टिकटॉकर ने एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए मद्दाहों को अपनी तबीयत की इत्तला दी। टिकटॉकर ने अपने वीडियो पैगाम में ये वाजे नहीं किया कि उन्हें क्या हुआ है और वो किस बीमारी में मुब्तला हैं। ताहम उन्होंने अपनी वीडियो में पेशावर धमाके समेत फिरका वारियत पर बात की, जबकि टिकटॉकर ने फिरका वारियत फैलाने वालों पर बरहमी का इजहार किया। हरीम शाह का कहना था कि सोशल मीडिया पर इन दिनों फिरका वारियत में तकसीम हुए लोगों की वीडियो जेरे गर्दिश है, जिन्हें देख कर खुद को कहने से नहीं रोक पाई, क्योंकि ऐसे लोग जो खुद को दुरुस्त और दूसरों को गलत करार दें, उन्हें जरूर उनकी औकात याद दिलानी चाहिए। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में हरीम शाह के केस से मुतालिक समाअत हुई, जिसमें उनके वकील ने अदालत में उनकी रिपोर्ट पेश की थी जो तुर्क जबान में थी। हरीम के वकील ने अदालत को बताया था कि उनका मौकला तुर्की में बीमार है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि उन्हें क्या बीमारी लाहिक है और किस चीज का इलाज करा रही हैं। इस पर हरीम के वकील ने बताया कि हरीम शाह तुर्की में लियोस्कोपी का इलाज करा रही हैं, डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है।
रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद कराची हैदराबाद ठट्टा सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार दिन भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शरकिया से। हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक अबू बकर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सानिहा कसर खानी बाजार पिशावर में उमामिया मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका हुआ जिसके नतीजे में 60 नमाजी शहीद हो गए, मुतादद अफराद जख्मी हो गए थे। इस हवाले से कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद अली नकवी की कॉल पर आज मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। अहमदपुर शरकिया मुबारकपुर जानूवाला में मिल्लत जाफरिया अंजुमन तहफ्फुज़ हकूक़ और मोहम्मद के ज़ेर एहतमाम सानिहा पेशावर के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाज में दहशतगर्दों की पुरजोर मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करके शोहदा के खून ना हक का बदला लिया जाए। इस एहतजाज से खतीब शिया जामा मस्जिद मौलाना सैयद मिल्लत अब्बास अंजुमन ताजरान जानूवाला के सदर सैयद जफर अब्बास बुखारी गुलाम बाकर जाफरी मौलाना सैयद तसव्वुर बुखारी शिया और सुन्नी मुसलमानों ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए सानिहा पेशावर की दहशतगर्दी की मजम्मत की और शदीद एहतजाज किया। रावलपिंडी टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने तारीख रकम कर दी। रावलपिंडी टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने नई तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी इमाम और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी शराकत कायम की जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी इनिंग में सेंचुरी शराकत करने वाली 51 साल में पहली जोड़ी बन गई है। इससे कबल 1971 में इंग्लैंड के जियोफरी बाइकार्ट और जॉन एंड्रेज ने एक कारनामा अंजाम दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी विकेट पर एक टेस्ट में 2 सेंचुरी शराकत वाली ये दूसरी जोड़ी है, जबकि इमाम और अब्दुल्ला की जोड़ी एक टेस्ट में 2 सेंचुरियां पार्टनरशिप करने वाली पाकिस्तान की तीसरी ओपनिंग जोड़ी है। 2003 में इमरान फरहत और तौफीक उमर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये कारनामा अंजाम दिया था, जबकि गुज़िश्ता बरस बांग्लादेश के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी शराकत बनाई थी। यूनुस खान और अजहर अली ने 2014 में तीसरी विकेट पर ये कारनामा अंजाम दिया था। तलहार पुलिस का नौसरबाजों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करके वजीर आजम एहसास किफालत प्रोग्राम की रकम से कटौती करने वाले 2 मुलजिमान सद्दाम पठान और रमजान पठान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO तलहार सईद अहमद चना ने मीडिया को बताया कि SSP बदीन शाहनवाज चाचर की सख्त हिदायत है, एहसास किफालत सेंटर से मुस्तहक के पैसों से कटौती करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। एहसास सिफारत सेंटर से पुलिस को चकमा देकर शहर के एक घर में डिवाइस चलाकर मुस्तहक औरतों के पैसों में कटौती करते हैं। पुलिस के खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 18,100 रकम कैश 2 अदद डिवाइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार दोनों मुलजिमान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अहम विफाकी वज़रा उस्मान गुज़ार की तब्दीली के ख्वाहिशमंद वज़ीर आज़म को मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक विफाक के कई अहम वज़रा वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार की तब्दीली के हामी हैं, जिनमें फवाद चौधरी पंजाब के वज़ारत आला में तब्दीली के सबसे बड़े हामी हैं। ज़राए का कहना है कि विफाक में अहम सीनियर वज़रा ने वज़ीर आज़म को उस्मान गुज़ार की तब्दीली का मशवरा भी दिया है। ज़राए के मुताबिक असद उमर गवर्नर चौधरी सरवर भी पंजाब में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। इनके अलावा परवेज खटक भी गवर्नर्स और पार्टी का इमेज बेहतर करने के लिए उस्मान गुज़ार की तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए का कहना है कि इमरान इस्माइल भी पंजाब में मुतहरक पार्टी शख्सियत को वज़ीर आला देखने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले मशावरती इजलास में आज विफाक वज़रा वज़ीर आज़म को अपनी राय से आगाह करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म तमाम सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद आइंदा लाही अमल का फैसला करेंगे। सांगढ़ क्राइम रिपोर्टर अफाक अहमद अरई सांगढ़ के मुताबिक SSP जिला सांगढ़ डॉक्टर फारूक अली का 15 साल असद खास केले की गुमशुदगी के इत्तला मौसूल होने पर फौरी नोटिस। तफसीलात के मुताबिक शामीर पहनूर कॉलोनी शहर सांगढ़ के रिहायशी जो कि म्युनिसिपल कमेटी सांगढ़ में मुलाजिम है, अली गुलाम खास केले के 15 साल असद खास केले की गुमशुदगी के इत्तला मौसूल होने पर SSP सांगढ़ डॉक्टर फारूक अली ने गुमशुदा असद खास केले की बाहिफाजत रिकवरी के लिए जिला भर की पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया।
डीएसपी मोहम्मद आसिफ अराई भी अपनी टीम के हमरा असद को तलाश कर रहे थे। इस दौरान डीएसपी मोहम्मद आसिफ अराई ने अपने तमाम तर वसाइल ब्रोए का लाते हुए असद को पीर जो गोर से बाहिफाजत ढूंढने में कामयाब हुए। सांगर पुलिस की बेहतरीन काविश के नतीजे में असद खास के लिए एक बार फिर से अपने वर्सा के हवाले कानूनी जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद कर दिया जाएगा। असद के वालदैन ने एसएसपी सांगर डॉक्टर फर्रुख अली और सांगर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए पुलिस की जानिब से की गई कोशिशों की तारीफ की। एसएसपी सांगर डॉक्टर फर्रुख अली ने असद खास किली को बाहिफाजत तलाश करने पर डीएसपी मोहम्मद आसिफ अराई की टीम को शाबाशी दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज, हमारे साथ रहेगा।